दुकानों को जबरन खाली कराया जा रहा है। हालांकि ये पांचों दुकानदार वर्षों से इस दुकान में रहते आए हैं। इस प्रभाव में नगर निगम के द्वारा इन पांचों दुकानों को किसको अलर्ट किया गया इसकी जानकारी नहीं है। मामले में नगर नियम के पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद है वही बतलाएंगे। आइए हम बात करते हैं नगर नियम पदाधिकारी से, क्या वजह है, क्या मामला है, स्थल को बंद करने का क्या लक्ष्य है, क्या है ये मामला है। अभी बताएंगे आप हमारे साथ बने रहिए। हम बात करेंगे यहाँ के पांचों दुकानदारों से कि वस्तु स्थिति क्या है, क्यों खाली कराए। दूसरा कोई सता रहा ये लोग थोड़ा सा पच्चीस एक पैंतीस निकलवाइए सवाल सब में खाने पीने का सामान हमके देखिए तमाशा लो टंकी हम लोग 40-45 साल के ऊपर से हम लोग इसमें रहते आ रहे हैं और दुकानदारी करते आ रहे हैं। इस दुकान में हम लोग का दुकान का लाइसेंस, बिजली का बिल, ड्रग लाइसेंस, PCO का लाइसेंस, जनरल स्टोर का लाइसेंस, जो जो जिस दुकान के नाम से था 35-40 साल से हम लोग इस दुकान में दुकान करते आ रहे हैं। लेकिन गलत तरीका से नगर निगम के द्वारा ऊपर एक दूसरे आदमी का पार्टनरशिप दिखा के ये नाम अपना चढ़वा लिया, उसके अंतर्गत नगर निगम आके हम लोग को आज खाली करवाया। जबकि इस जब नोटिस हम लोग को मिला तो इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का अभी आदेश आया नहीं और तब तक ही आके हम लोग के यहाँ दुकान सील करवा दिए, जो सरासर अन्याय है। 2013 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी विनय बाबू के संज्ञान में ये बात आया तो हम लोग के नाम से भौतिक सत्यापन दुकान का कराते हुए जो लोग इस दुकान में किराया था उसके नाम से करवाया गया। 2013 से हम लोग के नाम से हम लोग के नाम से जिला पदाधिकारी के द्वारा कराया गया। तब से ले कर 2020 तक हम लोग कंटिन्यूस दुकान पांचों दुकानदार चलाते आ रहे हैं। बीच में जॉब से ये नगर आयुक्त महोदय आए हैं और जो किरण देवी ऊपर कभी इस दुकान में नहीं थी, ऊपर पार्टनरशिप दिखा के अपने नाम से करवा ली है और उसी आधार पर ये लोग आज सीख कर रहे हैं और पांच परिवार को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और क्या होगा आगे कोई नहीं जानता।